हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है साना साना हाथ जोड़ी। आज इस पाठ के मैं आपको सारांश बता रही हूँ, तो आप सारांश को नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स के लिए ये सारांश बनाया गया है। इसमें पाठ का सार जो है वह इस प्रकार से है। मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वे अपने मित्र मणि के साथ सिक्किम घूमने के लिए गई थी। वहाँ से वह युमथांग, लायुंग और कटाव गई थी। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय की घाटियाँ और फूलों के बागानों का भी वर्णन किया गया है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ खुद को भी बदलता हुआ महसूस करती है। वह कभी प्रकृति प्रेमी, कभी विद्वान और कभी संत या दार्शनिक के समान हो जाती है। उन्होंने इस पाठ का नाम एक नेपाली युवती की बोली हुई प्रार्थना से लिया। साना साना हाथ जोड़े, इसका अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में प्रदूषण के बारे में बताया गया है। इसमें हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों के बारे में भी पता लगता है। आप अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन या टिप्स मान लीजिए, वो ये है कि आप सारे नोट्स लिख करके तैयार कीजिए और अभी से आप इसके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए ताकि आपके हिंदी में पूरे मार्क्स आ जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, शायद इसके मैं प्रश्नोत्तर करवाऊंगी या फिर मैं इस चैप्टर के आपको MCQ क्वेश्चंस करवाऊंगी। और इसके साथ ही मैंने इस पाठ के वन लाइनर्स क्वेश्चंस, जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं, और ज़्यादातर अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे नए पैटर्न के अनुसार, तो मैंने वो सारे वीडियोस पब्लिश कर रखे हैं। आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए, आपको सभी चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश के और साइंस के MCQ भी मिलेंगे, साथ ही आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न बता रही हूँ, तो इसके हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रश्न अभ्यास जो है वो करेंगे।